श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्याय नमः, श्री सद्गुरुभ्यो भगवान् देवराहाय नमः, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। बंदो गुरु परंपराम, बंदो महापुरुषास्त चरणारविंदम, मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। यत्र रामो भयं नात्र नास्ति तत्र पराभव। जहाँ भगवान राम है वहाँ अभय है और वहाँ कभी पराजय नहीं हो सकती। इसलिए भगवान राम के नाम का, गुण का, धाम का, लीला का हम आश्रय लें, कल्याण ही कल्याण है। रामचरितमानस एक बहुत ही विशिष्ट वैश्विक ग्रंथ है। विश्व का यही एकमात्र ग्रंथ है जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हर एक चर अचर सारे जीवों की वंदना की है, किसी को भी छोड़ा नहीं है। श्रुति कहती है इदम सर्वम खल विदम ब्रह्मासि, आप जहां तक भी देखें सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो उसी के विषय में आज देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संतों की और दुष्टों की दोनों की वंदना करते हैं और बताते हैं कि दोनों के मिलने से हमें दुख होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है। तो अंतर क्या है, बाबा जी बताते हैं, एक जब मिलता है तभी दुख देता है और दूसरा जब हमसे बिछुड़ता है तो जैसे हमारी जान ले लेता है, हमें इतना दुख होता है, इतना दर्द होता है। तो आइए देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कैसे इस बात को रामचरितमानस में व्यक्त करते हैं। बंदम शांत असाजन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, मिलत ये कदा रुन दुख दे जी कहते हैं कि जब दुष्ट मिलते हैं वो मिलते ही तुरंत इंस्टेंट हमें दुख देते हैं, हमें दर्द देते हैं, हमें अशांत कर देते हैं। लेकिन संतों के विषय में बताते हैं कि जब संत मिलते हैं तो हमें इतनी खुशी होती है, इतना सुख मिलता है, इतनी शांति मिलती है कि जिसकी बात ही छोड़ दीजिए, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना सुख हमको मिलता है संतों के मिलन में, क्योंकि वो संत हैं। लेकिन वही संत, वही साधु, वही महापुरुष जब हमसे दूर होने की बात करते हैं कि हम आए आपसे मिल लिए अब हमको चलना चाहिए, उस समय हमें लगता है कि नहीं, अभी तो बहुत कम समय हुआ है, इनको अभी नहीं जाना चाहिए, कुछ और समय तक रुकना चाहिए। अब प्रकृति का तो नियम है मिलना और बिछुड़ना, जो मिलेगा वो बिछुड़ेगा ही, लेकिन
संतों का जब मिलन होता है तो उससे जो हमें सुख मिलती है, शांति मिलती है, जो सांत्वना मिलती है, उसे हम अपने पास रखते हैं और उसके बाद उनका गुणगान करते हैं और भगवान राम नाम की अर्चना करते रहते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की विद्वता को, प्रकांड विद्वता को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इस ग्रंथ को ऐसा रूप दिया है। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ, हर हर महादेव जय सियाराम, ओम शांति ही शांति ही शांति ही।